आपको हल्का हल्का दिख रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है। बारिश थोड़ा कम हो चुकी है, अब कोशिश करते हैं कि उधर जाएं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा उस टाइम विजिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब दिख रहा होगा। और अब बारिश कम हो चुकी है, हम लोग निकलने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पूरा भींग चुके हैं और ये नदी पार करना पड़ा है। बहुत ज्यादा थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और मस्जिद तो आगे है, लेकिन ये गेट है, काफी बड़ा एरिया है इसका। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बाउंड्री थी। और अगर आप इसमें देखेंगे ना तो ये मदरसा वगैरह लगता है, और ये बाउंड्री है जो कि बिखरी हुई है। ऐसा लगता है कि कुआं है जो कि वजू के लिए बनाया गया होगा। तो ये देखिए, चारों तरफ से पानी है, डैम है, और ये है एकदम बीच में मस्जिद, जो आपको अभी अंदर जाकर दिखाते हैं। ये है वो मस्जिद जिसको देखने के लिए बहुत दूर का सफर तय करना पड़ा है, वो भी बारिश के साथ में। यहाँ पर भी पानी है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, और अब देख सकते हैं चारों तरफ ये पानी ही पानी है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है, जो पहले पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी, ये नजर नहीं आती थी। लेकिन अब पानी का जब लेवल थोड़ा डाउन हुआ है, तब ये मस्जिद निकली है और अच्छे से दिख रही है। आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। और ये गेट है, इसमें तीन गुंबद है, एक ये और एक ये, और बहुत छोटी है। वैसे एरिया की बात है तो 20 फीट इसकी चौड़ाई है, और ये यहाँ सामने 10 फीट होगा अंदर गए हैं, और बाकी सामने है। और बाकी सामने है, वो बाउंड्री वगैरह रही होगी। ये बाउंड्री है और चारों तरफ से पानी है, और ये है आपकी मस्जिद। जब से लोगों को पता चला है तो काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसे देखने के लिए, और काफी अच्छा लगता है जब पुराने जमाने की चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे लोगों का ये भी कहना है कि ये पूरा एक गांव हुआ करता था, जो आसपास में 40 गांव हुआ करते थे यहाँ पे। अब वो यहाँ पे जब डैम बना तो उनको कहीं और रीस्टैब्लिश कर दिया गया, और जब ये डैम बना तो ये मस्जिद पानी के अंदर चले गए। और पहले ये जो मीनार वगैरह थे वो कभी कभी लोगों को दिखते थे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि वो कभी कभी दिखते थे यहाँ पे। और बाकी अब जो लेवल कम है तो ये पूरी तरह से मस्जिद दिख रही है। वैसे ईंट वगैरह अगर हम देखें ना तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं लगती है। वैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि करीब ऐसा 40-50 साल पहले ये डैम बना है, तब से लोगों को यहाँ से रीएस्टैब्लिश कर दिया गया, दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, और ये मस्जिद को छोड़ दिया गया जो कि पानी में चली गई, और अब ये अच्छे से दिख रही है। और ये ऐसा लगता है कि इधर में वजू खाना है, यहाँ पे लोग वजू करते थे। और काफी अच्छा होगा ना, नेचुरल। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पहले नदी गुजरती थी सामने से, तो यहाँ पे आप वजू करके सामने नमाज पढ़ सकते थे।
तो कितना अच्छा सीन होगा, कितना प्यारा सीन होगा यहाँ पे, आप सोच सकते हैं। ये वजू खाना है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये मीनार है जो कि गिर गया है। ये गेट रहा होगा, ये सीधा था और ये सीधा मतलब था वो गिर गया है वो, और ये बिल्कुल बाउंड्री वगैरह होगी लेकिन वो अब बह चुके हैं। अब बस यही ढांचा है। वैसे ये इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये भी हो सकता है कि ये 600 साल पुरानी हो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो काफी पुराना लग रहा है। अंदर में बहुत पुराना सा ढांचा है और बहुत सुंदर मस्जिद है। और पहले जमाने की जो मस्जिद है काफी छोटी होती थी और काफी ज्यादा सुंदर लगते थे। तो काफी अच्छा लगता है जब पुराने जमाने की चीजें देखने को मिलती है, काफी मजा आ जाता है। तो चलिए, आपका आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के अमेजिंग और हिस्टोरिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।